सर, थोड़ा लास्ट फेज ऑफ दिस इंटरव्यू आते जो है, योर एक्सपीरियंसेस एज अ जीटीओ, आपने फिर जीटीओ कोर्स भी किया, जीटीओ कोर्स किया मैंने, बट यू वर नेवर अ जीटीओ इन नो। एसएसबी। हाँ जी, ओके, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली सीन प्रॉब्लम्स जो आज के एस्पिरेंट्स में आ रही है, एंड हाउ शुड दे गो अहेड कि ये सब नहीं करना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है। ये आज ये बहुत जरूरी है बच्चों को भी जानना। सबसे पहले आजकल एक ट्रेंड है कि आपकी कोई भी इंटरव्यू हो या कोई भी एग्जाम देना हो आपने, आप कोचिंग सेंटर्स ढूंढते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, बिकॉज लाइक कंपटीशन इज सो हाई एंड यू हैव टू बी सो प्रोफेशनल व्हाइल गिविंग योर एग्जाम्स और फेसिंग द इंटरव्यू कि आपको उसकी तैयारी पहले करनी ही पड़ती है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे कंपटीशन इतना नहीं था। अभी तो ऐसे भी दो स्टेजेस में होती है, स्टेज वन में अगर निकलो तभी स्टेज टू में जाते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट स्टेज वन में ही आउट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप कहीं लेने जा रहे हो ट्रेनिंग, सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो आपको उस चीज की तैयारी पहले ही करके जानी चाहिए। होता यह है, हमारा सोच, हमारी अपब्रिंगिंग, अब जो जनरेशन की आ रही है या उनके जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स, हम सुबह 6 बजे अगर कॉलेज चले गए और रात के 8:30 तक ना आए, उनको कोई चिंता नहीं होती थी। उनको पता ही कहीं ना लटक पटक के आ ही जाएगा, क्या होगा, जैसे हाथ टूटा होगा पैर टूटा होगा पर घर पहुंच जाएगा। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चे को हर 10 मिनट बाद जानना चाहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कब आ रहा है। बच्चा अपने पेरेंट्स पे ओवर डिपेंडेंट हो जाता है, ओवर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है, मतलब ओवर प्रोटेक्टेड हो जाता है, यू कैन से। एंड सेकेंडली, पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर ये कोचिंग सेंटर में जा रहा है तो ये कोचिंग सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि इसको पास कराना। सेकेंड, दैट इज अ वेरी बैड थिंग कि कोचिंग सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कराना, बिकॉज दे थिंक कि उनके बेटे में हर तरह की क्वालिटी है, ही इज द बेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं होता। तो बच्चा एडमिशन लेता है, आता है, बट प्रिपरेशन करके नहीं आता है। जैसे LWS में 21 दिन का कोर्स, 21 डेज का कोर्स होता है, तो हम कोशिश करते हैं उसको अच्छा लाने की, पर अगर आप ट्रेनिंग करके आओ तो हमें आपको असेस करने में ज्यादा आसानी होती है। हम जो आपको पढ़ाना चाहते हैं आप जल्दी उसको असिमुलेट कर लेते हो। मेरा मत ट्रेनिंग तैयारी करके आने का मतलब यह है कि आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और छोटे छोटे काम करने का तरीका। आज क्या है, बच्चा सुबह उठता है उसको बेड पे ही सब कुछ मिल जाता है, फिर वो रेडी होता है, उसकी ड्रेस उसको बनी बनाई प्रेस मिल जाती है पहन के, वो उसको उसके पेरेंट्स स्कूल बस के वहां तक छोड़ के आते हैं, स्टॉप तक, बस स्टॉप तक, फिर वो स्कूल चले जाता है, स्कूल से आता है, फिर पेरेंट्स वहां खड़े हैं उसको रिसीव करने के लिए। ये चीज नहीं होती है। आपको जनरल, आप बच्चे आते हैं जिनके 95 और 99% मार्क्स हैं, बहुत मार्क्स हैं उनके रिटर्न में, बट जब वो ग्राउंड पे काम करने आता है, जो एक SSB, जो एक क्वालिटीज ढूंढ रही होती है, वो क्वालिटीज उसमें डेवलप नहीं हो पाती उसकी। वो अपने दोस्तों में खूब बात कर लेगा, पेरेंट्स से बहुत बात कर लेगा हर जगह, पर जब अपने ही दोस्तों में, अपने ही एज ग्रुप के लोगों के बीच में उसको कोई डिस्कशन करना पड़ता है, उसको कोई लेक्चरेट देना पड़ता है, या अपने ही एज ग्रुप के लोगों के साथ उसको ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस और शाइनेस ज्यादा दिखती है, कॉन्फिडेंस कम दिखता है, और वो सोचता है कि ये काम कोई और कर ले और उसका फायदा उसको मिल जाए। तो मेन चीज है पब्लिक स्पीकिंग, जो चीज है वो आजकल के बच्चों में बहुत कम है। पब्लिक स्पीकिंग, कंडक्ट इन पब्लिक, लोगों के बीच में, अपने जैसे एज ग्रुप के बीच में, जो उसी के साथ के 95% मार्क्स वाले हैं, उन्हीं के बीच में अपने आप को उनसे बेहतर दिखाने के लिए या लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने के लिए, उसमें बहुत शाइनेस होती है, बहुत घबराता है। 3 मिनट का लेक्चर देने के लिए उसको लगता है पता नहीं मैं कैसे बोल पाऊंगा,
प्लानिंग की कमी होती है, क्योंकि उसको घर वाले उसको कुछ करने ही नहीं देते, तो वो कभी प्लानिंग ही नहीं कर पाता। आप भी जब स्कूल में होंगे, मैं भी जब स्कूल में था, एक चीज होता था टाइम टेबल, पूरे वीक का एक टाइम टेबल आता था कि भाई अब ये 4 क्लासेस इंटरवल से पहले, ये लंच लंच के बाद, और ये सब्जेक्ट है, ये बुक्स लानी है, ये इसकी क्लास है। आजकल के बच्चों को टाइम टेबल नाम की चीज ही नहीं पता, बस पढ़ना है, उठाया, पढ़ाई में सब अच्छे हैं, और आप नॉलेज के हिसाब से करोगे तो उनकी नॉलेज हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है, बट उस नॉलेज को जब आप मीनिंगफुल यूज में लाने की बात आती है, तब वो बच्चे घबरा जाते हैं, वो उसको उस मीनिंगफुल चीज में नहीं ला ला पाते हैं। यही चीज है जो हम SSB के लिए ट्रेन करते हैं, कि जो आपकी नॉलेज है उसको गैदर करिए, उसको एसिमुलेट करिए, और उस नॉलेज को मीनिंगफुल और एक ऐसे वे में प्रोड्यूस करिए ताकि जो आपको देख रहा है वो आपकी क्वालिटीज इमीडिएटली पता लगा सके। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, उसको लेने के लिए इनिशिएटिव दिखाइए, और फिर इनिशिएटिव दिखाया तो उसका रिजल्ट भी दिखाइए। बच्चों को फेलियर से इतना घबराहट होती है कि वो चीज शुरू करने से पहले ही फेलियर के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। वो चीज करना ही नहीं चाहते। मैं सिंपल बोलता हूँ कि मेरी फियर तरफ ऑफ से, हाँ, फेलियर इज टू मच. फियर ऑफ फेलियर इज टू मच, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस अपने से बहुत ज्यादा है। मैं सिंपल बोलता हूँ कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। अगर आप बैटरी लें, अगर बैटरी में पॉजिटिव नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर नेगेटिव नहीं होगा तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तभी तो मोटर चलेगी। आप बैटरी से कोई भी चीज चलाना चाहेंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट हमेशा नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड्स होंगे, तभी आपका करंट का सर्किट पूरा होगा और आपकी मोटर चलेगी। मोटर चलेगी तो एक्शन होगा, दिस इज व्हाट। अगर आप सोचो आप में सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है ही नहीं, तो फिर आप भगवान बन गए। तो हर आदमी में नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों चीजों का अपने टाइम पे यूज है। हर चीज का नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों का यूज है, सर्कमस्टांसेस आपको कौन सी क्वालिटी यूज करने के लिए बोलते हैं वो मेन चीज है। सो फेलियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सक्सेस है। सो आपको डरना नहीं है। बच्चे SSB देने जाते हैं, द डे वन जब वो स्टेशन पे उतरते हैं SSB के, जहां पे SSB है जिस भी सिटी में, उनको पहले ही ये हो जाता है कि यार 4 दिन बाद मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उनको ये नहीं है कि अभी तो मैं जाऊं, एक एक चीज एक एक साथ देखूं, उसको एज ए व्यू फीलिंग करूं, यार साइकोलॉजी टेस्ट है, क्या है, स्टोरी लिखनी है, वर्ड बनाना है। अगर मैं बुक्स, सेकंड ईयर बुक्स नहीं पढ़ते बच्चे, अच्छे राइटर्स की स्मॉल स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज भी हो गई, या फिर स्मॉल नॉवेल्स विच में भी मिस्ट्री साइंस फिक्शंस, उनको अगर पढ़ोगे तो उनमें सब इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं, वही वर्ड्स SSB में आते हैं जिन पे आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। अगर आप नॉवल पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, तो आपको उस वर्ड का सेंटेंस बनाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्ड आप 100 बार पढ़ चुके हो और उसके सेंटेंसेस आपको देख चुके हो, कंस्ट्रक्टिव जो है सेंटेंसेस, तो आपको सोचना क्या है, लिखना और बनाना है, आप बनाओ। स्टोरी में क्या है, आपके जिंदगी में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, जो आप पिक्चर देखते हो उसकी स्टोरी आप 2 मिनट में लिख सकते हो, ये एक्सपोजर जो है आजकल के बच्चों में कम होता है, और जिनमें होता है उनको कभी हम सीधे ही बोलते हैं कि भाई आपको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, यू आर टोटली फिट, प्लीज गो एंड गेट सिलेक्टेड। तो ये चीज होती है फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ अननोन। बच्चों को पता ही नहीं होता कि आगे क्या, पर वो फियर पहले ही कर रहे होते हैं। तो फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर ज्यादा दिमाग पे होता है रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर डेट फियर। वो प्रिपेयर नहीं करके आते हैं, बस यही एक छोटी सी चीज है जो आजकल के बच्चों में है, कि लोगों के बीच जब अपने जैसा ग्रुप मिलता है उसमें अपने आप की वर्थ शो करने के लिए जो थोड़ा सा गो होना चाहिए, वो आजकल के मैक्सिमम बच्चों में थोड़ा मिसिंग है, ये चीज है। वरना इंटेलिजेंट सभी बहुत है, ये चीज थी। तो ये एक है जो कि आजकल के जो
बच्चे में, पहले तो आप अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर करिए और फिर ट्रेनिंग के लिए आए, तो आपको ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा जब आप ट्रेनिंग करके जाएंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, एकेडमी से। लेट से सर कोई एस्पिरेंट है वो सितंबर में उसका एग्जाम है या अप्रैल में है, उसके बाद ही हैज SSB आफ्टर 3 मंथ्स, तो उस 3 मंथ्स में वैसे तो उससे पहले ही कैरेक्टर इज समथिंग जो उससे पहले शुरू होना चाहिए, बट वी ऑल नो कि एस्पिरेंट्स जो हैं वो हैं कि एकेडमिक प्रेशर्स और इतने हैं. सो लेट से वो 3 महीने हैं, अब उस 3 महीने में व्हाट ऑल, एक अगर चेकलिस्ट बनानी हो आपको कि LWS आने से पहले ये सब करके आओ, तो क्या क्या होना चाहिए वो? से वो सबसे बड़ी सिंपल ही फिर वही है, 3 महीने में आप अपनी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आप नहीं बना सकते। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप जो भी मेरा जब भी आप डालेंगे, जो भी सुनेगा वो उसी दिन से न्यूज़पेपर और कॉम्पिटेटिव मैगजीन्स पढ़ना हाँ शुरू। ये बेटर है. चलो उस दिन से जब आपको वीडियो देगा तो क्या क्या करना चाहिए, मतलब हाँ, ये पर बात करते हैं. सेकेंडली जो भी वो 3 महीने हैं उसने जो भी 3 महीने में करना है उसका एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, वीकली वीकली के हिसाब से। अगर वो टाइम टेबल बनाएगा तो उसको एटलीस्ट जब सुबह उठेगा उसको ये तो पता है कि आज पूरे दिन में मैंने करना क्या है। अगर आपको ये नहीं पता आपने पूरे दिन में करना क्या है तो आप सुबह उठ के कुछ भी कर नहीं पाओगे। आपको पता 9 से 10, 10 से 11, या आपके ऊपर, आप 3 घंटे का बनाओ, 4 घंटे का बनाओ, पर पूरे दिन का आपको एक टाइम टेबल होना चाहिए। उसमें बेसिकली खाना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को दिमाग में रखना चाहिए. हाँ, आप लॉन्ग टर्म गोल लिया बट उसको आज से स्टेप बाय स्टेप भी, अगर आप यस 10th फ्लोर सर. पे जाना चाहते हैं, लिफ्ट नहीं है तो आप एक एक मंजिल ही जाएंगे ना, तो जी आप सर. शुरू करिए। अगर आप बेड पे सोते हैं तो अगर आप चप्पल पहनते हैं तो आप बेड की दोनों चप्पल एक साथ रखें, मतलब चीज को कायदे से रखने का आदत डालें। अगर आपने पेन पेन स्टैंड से उठाया है, रात को काम किया है, ये नहीं कि वहीं बेड पे छोड़ के सो गए, नहीं, 1 सेकंड लगता है, वापस अपनी चप्पल पहनिए, पेन लीजिए, पेन स्टैंड में रखिए, बुक को बंद करिए, बुक शेल्फ में रखिए और फिर आके आप आराम से सोइए। ये अगर आप करना शुरू करोगे तो आपको एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग में आप आ जाते हो कि जो चीज जहां से उठाई थी वहीं रखी, ये SSB में देखते हैं। और आप, कोई चीज बिखरी हुई नहीं होती है, आपकी हर चीज ऑर्डर में होती है। कल को अगर लाइट ना हो और आपको कहीं टॉर्च ढूंढनी हो आपको पता, 4 स्टेप चलूंगा अपने बेड से तो टेबल आएगी, टेबल के राइट हैंड कॉर्नर में मेरी टॉर्च पड़ी होती है और टॉर्च उठाएंगे, जलाएंगे और अपना काम कर लेंगे। पर आपको यही नहीं पता कि टॉर्च आपने रखी कहाँ है, लाइट जाने के बाद आप सोचो यार टॉर्च किधर है, तो वो फिर आपकी प्लानिंग कहीं खराब हो गई। आप हैपहैज़र्ड वे में चीजें कर रहे हो, चीजों को एक कायदे से करने की कोशिश करेंगे वो आपके एक नेचर में आएगा। फिर जब आप SSB जाएंगे, SSB का जो टास्क होते हैं वो एक तरीके से करने पड़ते हैं, आपको वो तरीके में ढलने में बिल्कुल कम समय लगेगा, आप चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो मेरा काम है कि कॉमन सेंस जो आपकी है, जो डे टू डे छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो वो आपको, अगर आप शू पहन रहे हो तो ये नहीं कि बिना लेसेस खोले ही आपने शू खोल दिया और शू पहन लिया, नहीं, आप शू खोलें, अपना पैर निकालें और जब नेक्स्ट डे पहनना है तो शू लेसेस को ठीक करें, बांधे, और अगर शू लेस भी टाई अप कर रहे हैं तो एक डर्टी फैशन में नहीं, एक अच्छा लगना चाहिए। मैंने आपको शुरू में बोला कि शो ऑफ, अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं तो आपकी हर चीज कायदे से हर जगह सही होगी। आप शर्ट पहनेंगे बिल्कुल सही पहनेंगे, टाई पहनेंगे तो आपका ऊपर का जो शर्ट का ऊपर का जो बटन होता है वो बंद होगा, एक अच्छी नॉट लगी होगी, आपकी टाई जाके बेल्ट जहां से शुरू होती है वहां पे खत्म हो रही होगी और आपकी टाई का एंड, आपका बेल्ट का नकल का शुरुआत और आपकी जो जिप है वो एक ही लाइन में होगी। तो अगर आप तभी जो शो ऑफ करोगे सी आई एम वेल ड्रेस्ड, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा, एक दो बार शीशे में देखना पड़ेगा,
ये अगर आप आदत डालोगे तो ये हर चीज में इन्वॉल्व हो जाएगी। आप जो चीज करोगे उसके मैन्यूटली डिटेल में जाएंगे और आप वो चीज करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका मैन्यूट डिटेल में जाएं, छोटी सी छोटी चीज के बारे में और बड़ी से बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें और फिर वो चीज करना शुरू करें। वरना टाई पहन लीजिए, टाई आपकी छोटी हो बड़ी हो कोई आपको मना थोड़ी करेगा, बट बाकियों की टाई ऊपर नीचे होगी, आपकी एग्जैक्ट होगी, तो आप शो ऑफ कर सकते हो कि देखो मुझे टाई बांधनी आती है, मुझे पता टाई कैसे। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं चाहूंगा कि आप सीखें, बच्चे अपने ट्राई करें। एजुकेशन वाइज एवरीबॉडी इज गुड, सब 90% से ऊपर मार्क्स लेते हैं, और SSB में आप जितने मर्जी मार्क्स ले लो वो काउंट नहीं करते। काउंट करता है उस टाइम पे, देखिए SSB बड़ा सिंपल प्रोसेस है सिलेक्शन का। आपको एक टाइम के दबाव के अंदर आपको कुछ काम करने को दिया जाता है, चाहे स्टोरी राइटिंग हो चाहे स्टेंट्स हो, वो आपको टाइम के अंदर करना है। नहीं कर पाए उसके बाद आप कुछ भी करते रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो टाइम इज द स्ट्रेस जो आपको दिया जाता है, और काम आपने वो करना है जो आपकी नेचर है। तो आपकी नेचर टाइम की स्ट्रेस के कारण सही नेचर निकल के बाहर आती है और वो ही आप सही इंसान होते हैं। तो उसी को चेंज करिए, चाहे टाइम स्ट्रेस हो चाहे कोई किसी तरह का स्ट्रेस हो, आप पे नहीं आना चाहिए और आपकी थिंकिंग एक लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ये ही मैं कहना चाहूंगा कि छोटे से छोटा काम पूरा सोच समझ के करिए, जिसको हम जनरली निगलेक्ट कर देते हैं या किसी और से करा लेते हैं, वो ग्रेट, खुद थैंक करना शुरू करिए। यू सो मच सर। एंड लास्ट 1.5 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला मेरे को, तो इतना मजा आया आपसे बात भाई करके। एंड सर वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कल को हम आपको फिर से बुलाएं एज अ गेस्ट एंड वी कैन स्पीक ऑन सम अनदर टॉपिक, एज आपकी लाइफ काफी डाइवर्स रही है, आपने सब बहुत कुछ लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एज अ गेस्ट, इट वॉज एन ऑनर फॉर मी। एंड मैं जब दिल्ली आऊँगा तो आपको पर्सनली भी मिलूंगा। जी सर, ऑन दैट नोट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, वी विल रिलीज इट इन 3-4 पार्ट्स। और LWS SSB is doing fantabulous job, do check that out as well. Sir is a GTO trainer at LWS SSB. So on that note, thank you so much. Take care and Jai Hind. ओके जय हिंद, थैंक यू, थैंक बढ़िया था सर, थैंक यू सो मच। यू, थैंक यू।